नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सैकड़ों ब्राह्मण जनेऊ लेकर गंगा में खड़े होकर संकल्प करेंगे कि 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से, जहां ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी में जुड़ने के लिए आह्वान चालू किया गया है, लेकिन देखना यही होगा सपा से ब्राह्मण कितना जुड़ पाते हैं। कल श्री राम घाट पर प्रबुद्ध सभा के तत्वाधान में सैकड़ों ब्राह्मण जनेऊ लेकर गंगा में खड़े होकर संकल्प करेंगे कि 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष हिमांशु त्रिपाठी ने बताया कि यह ब्राह्मणों पर अत्याचार किया है योगी सरकार। 2019 में जब सनातन पांडे चुनाव जीत रहे थे, तब शासन सत्ता के दबाव में जिलाधिकारी से बीजेपी सांसद जीत की घोषणा करा दी गई थी। इस बार से ब्राह्मण को बदला लेने का वक्त आ गया है। अब 2022 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। शानदार नेता, हम सबके प्रिय माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लेंगे। साथ ही साथ हम ये बता दें कि हम लोग के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार इन 5 सालों में एक एक घर का अत्याचार जो हम लोगों ने सहा है, यहाँ दूसरों से ज़्यादा दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ हमसे दुश्मनी निभाई गई है। हम लोग बार बार ये प्रण ले रहे हैं, रोज संकल्प लेते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी आतताई सरकार जाए और हम सबके नेता, हम सबके प्रिय शानदार नेता श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मैं आपको बता दूं कि पिछली लोकसभा चुनाव में जब 2019 का चुनाव था और यहाँ से हमारे नेता जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं श्री सनातन पांडे जी, जो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन इस आतताई सरकार ने एक फोन पे अपने जिलाधिकारी को आदेशित करते हुए और यहाँ के जिला के मंत्रियों ने, विधायक को भी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक मिलके हमारे नेता को जबरदस्ती हरवाने का काम किए, वो दिन हम लोग भूल नहीं सकते। उस दिन हम लोग खून का आंसू रोए थे और वो दिन मुझे याद है जिस दिन हम लोग रिजल्ट, जब हम लोग 1 बजे तक 40,000 वोटों से आगे चल रहे थे और जबरदस्ती हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोन आता है और यहाँ का जिलाधिकारी मंत्रियों के साथ मिलकर हमें हरवाने का काम करता है। उसी दिन से हम लोग ने प्रण किया था कि हमारे 2022 में हमें बदला लेने का मौका मिल रहा है। हम सारे अपने प्रबुद्ध समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको वो दिन याद होगा तो उसका बदला लेने का समय आ चुका है मित्रों। ये 2022 में हमारे किसी भी तरह से मिलजुल के हमारे देश प्रदेश के मुखिया और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं।